अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम ठीक तो? जी। आओ, चलो। आओ बेटा आओ। भूषण तू? जी जी जीते रहो भैया। कैसे हैं आप? मामा जी, जो नारी का सम्मान ना कर सके वो किसी और का सम्मान क्या करेगा? ये क्या व्यवहार कर रहे थे तुम बहू के साथ? उसे घर से बाहर निकाल रहे थे? जी मैं जानता हूं आप औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, पर ये लड़की इज्जत के लायक नहीं है मामा जी। अगर आप इसकी करतूतों के बारे में सुनेंगे तो आप भी यही करेंगे। पहले गुनगुन को अपने जाल में फंसाया, मुझसे जबरदस्ती शादी की, फिर मेरी मां को अपनी तरफ करके घर की चाबी हत्या की। और इतना बस नहीं था कि मेरी मां और दामिनी को जेल भी भिजवा दिया इसने। मामा जी, आप इस राधा को जानते नहीं हैं। एक नंबर की चंट लड़की है ये। तुम्हारे मामा ने दुनिया देखी है बेटा। हम ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी नारी मुक्ति संस्था को चला रहे हैं। उम्र बीत गई है हमारी दुखियारी औरतों की सहायता करते करते। सूरत देखकर सीरत का पता चल जाता है हमें। और इसका चेहरा कह रहा है कि ये किसी के साथ कुछ भी गलत कभी कर ही नहीं सकती। देखो इसके चेहरे को, देखो कितनी भोली है, कितनी मासूम है।
इसकी आंखों में दिख रहा है कि इसके दिल में तुम लोगों के लिए सम्मान है, प्यार है। इसके आंसू बता रहे हैं कि ये मोहन से प्यार करती है। मोहन पर भरोसा करती है। और मोहन, तुम्हीं ने आज इसके भरोसे को तोड़ दिया। नहीं नहीं मामा जी, माफ कीजिएगा, पर ना तो ये भोली है ना ही मासूम। और ये बिना फायदे के ना तो किसी से प्यार करती है ना किसी की इज्जत। और आंसू का क्या ही बताएं मामा जी, एक पल के लिए मगरमच्छ के आंसू सही हो सकते हैं, पर इसके नहीं। क्योंकि ये झूठी है मक्का और ये 420 लड़की है। बस मोहन बस, ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो तुम? कादंबरी, क्या यही सीख दी है तुमने इसे? और इस घर में क्या औरतों का इसी तरह सम्मान किया जाता है? आप राधा की असलियत नहीं जानते। इसका इस घर से चले जाना ही हम सबके लिए बेहतर है। ये सिक्का भी खोटा हो गया। हाँ? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।